आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश का 8वां राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1.89 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1.52 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। बता दें मध्य प्रदेश में 18+ की पात्र आबादी 5.49 करोड़ है। प्रदेश के इंदौर जिले में 11,18,300 से भी ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। इसके बाद भोपाल में 7,72,407 लोगों को दूसरा डोज दिया गया, वही जबलपुर में 5,59,013 और ग्वालियर में 4,21,143 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगी है। तो वही अगर बात करें प्रदेश में मंगलवार शाम तक कुल 5.21 करोड़ कुल डोज लगाए गए हैं। इसमें 4.21 करोड़ लोगों को पहली डोज दी गई है, वही 1,09,000 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए हैं। इसमें 18 से 44 उम्र के 3,08,66,702 लोग शामिल हैं। वही 45 से 60 उम्र के 1,33,05,226 और 60 साल से ज्यादा उम्र के 69,21,323 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि लोग भी काफी ज्यादा जागरूक हैं और अपनी बारी आने पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और ऐसे में वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाला 8वां राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने लोगों को वैक्सीन के तरफ जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाया है और इसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश 8वें नंबर पर है वैक्सीनेशन के मामले में। आपको बता दें कि प्रदेश में 4.21 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। एक बड़ा टारगेट यहां पर कंप्लीट किया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में वही अगर राजस्थान में 1.29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, कर्नाटक में 1.26 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो वही अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो महाराष्ट्र भी इससे पीछे नहीं है, महाराष्ट्र में 1.82 करोड़ को वैक्सीनेट किया गया, उत्तर प्रदेश में 1.52 करोड़ को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वही अगर बात की जाए गुजरात की तो वहां पर 1.44 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी और 8वें नंबर पर मध्य प्रदेश है वैक्सीनेशन के मामले में। तो लगातार मध्य प्रदेश में 4.21 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया और ऐसे में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।